अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन विंग्स। ये हम दो तरह से बनाएंगे, एक हम फ्राई करेंगे और दूसरे हम बेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 पाउंड चिकन लिया है, चिकन विंग्स। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट, और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से। इनके ऊपर नमक मिर्च मसाले सारे लग चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने 1 कप मैदा लिया है, कॉर्न स्टार्च। अब हम इसके अंदर दूसरे मसाले, स्पाइसेस वगैरह मिक्स कर लेते हैं। रेड चिली, सॉल्ट, क्यूमन पाउडर, इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। और पार्सली। अब चिकन विंग जो है वो इसमें डाल के तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट कर लें मैदे को। दूसरी तरफ मैंने ऑयल फ्राई के लिए रखा है, गर्म होने के लिए। ये सारे हमारे चिकन विंग्स जो हैं उनके ऊपर मैदा लगा दिया मैंने। अब हम फ्राई करते हैं इनको। ऑयल हमारा गर्म है, इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। ये 7 से 8 मिनट लेंगे इनको पकने के लिए। जब गोल्डन ब्राउन से हो जाएं तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। जब हम निकालेंगे इनको तो ये क्रिस्पी सा साउंड देंगे। ये हमारे रेडी हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक पेपर टॉवल के ऊपर। जी, यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया है। अब हम इनके लिए सॉस बनाते हैं जो इसके ऊपर लगाएंगे। इस यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल लिया मैंने। इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, इसमें सोया सॉस डालूँगी मैं, इसमें विनेगर, ब्राउन शुगर, हनी। ये बहुत मज़े की बनती है, आप बनाइएगा। इसमें केचप, सॉल्ट इसमें डालें। 3 मिनट तक हमने पकाया है इसको। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी। अब ये सॉस जो है हम चिकन विंग्स के ऊपर डाल देंगे। अगर आपको सॉस कम लगे तो आप और ऊपर से और डाल सकते हैं और साथ में रख सकते हैं इनके साथ। मैंने ऊपर सेसमी सीड लगाए हैं। अब ये खाकर बताते हैं कि आपको ये कैसा है। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा पक चुका है, ये इसमें से ब्लड बिल्कुल नहीं निकल रहा है। बेक करने के लिए वो हम मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैजिक मसाला लिया है, जिंजर गार्लिक पाउडर डाला है और कसूरी मेथी डाली है। अब इसके अंदर हम चिकन विंग्स डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। एक ट्रे मैंने ली है, उसके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं ऑयल और इनको बेक कर लेते हैं। ये 30 से 40 मिनट लेंगे। ये देखेंगे हमारे चिकन विंग्स जो हैं वो पक चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और इसके साथ जो मैंने सॉस बनाई थी वो मैं सर्व कर रही हूँ। ये खट्टी मीठी सी सॉस है, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।